तो हमने ही ना छापा मार के उनके उनके चेहरे को उजागर कर दिया, उनके संपत्ति को उजागर कर दिया। और कई लोग हैं। ईडी ने जो कार्रवाई की है, पहले ईडी तो बताए किस मसले पर किया है कि सिर्फ गैर प्रशासन, गैर जो भाजपा सरकार वाली वाले राज्य हैं, क्या उन्हीं जगह सिर्फ भ्रष्टाचार है कि पूरे देश में इस तरह की भ्रष्टाचार की बातें? हम ये देख रहे हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों तक सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के विधायकों के बदौलत बनी हुई सरकार है। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज, आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में तेजी से बढ़ रही राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गए। बताया जाता है कि वे प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराएंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर ईडी की कार्रवाई से राज्य सरकार बौखला गई है और इससे पता चल रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों के पीछे राज्य सरकार की शक्ति लगी हुई है। खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल और उनके जान पहचान वालों के ठिकाने से इतने बड़े पैमाने पर राशि बरामद हुई है और लगभग 150 करोड़ के निवेश की जानकारी मिली है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री इस कार्रवाई को गीदड़ धमकी बता रहे हैं। इसके साथ साथ झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इन सब के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ये सिर्फ कार्रवाई गैर भाजपा शासित राज्य में ही है या फिर भाजपा शासित राज्य में भी है। आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। झारखंड के खान सचिव के 25 ठिकाने पर छापा पड़ा, लगभग 19.36 करोड़ रुपए उनके और उनके संबंधित लोगों के पास से बरामद किए गए और जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो लगभग 150 करोड़ से ऊपर की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए। और ये घटना, इसको हम मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का नरेंद्र मोदी की जी की सरकार, केंद्र की सरकार जो जीरो टॉलरेंस करप्शंस पर विश्वास करने वाली पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार है, वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ये प्रयास है। और मुझे इस बात का एहसास था कि इस भ्रष्टाचार के अंकुश लगाने पर, भ्रष्टाचार की जो यहाँ पर जड़ें मजबूत हो रही हैं, उस पर प्रहार जो हुआ है कल, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को बधाई दी। भ्रष्टाचार हुए, भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत मिले हैं, पैसे बरामद हुए हैं, कागजात बरामद हुए हैं और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है वह सच में हास्यास्पद है। और कह रहे कि मैं गीदड़ भक्ति से डरने वाला नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मैं डरने वाला नहीं, ये भ्रष्टाचार पर प्रहार है, हम किसी को डराने और गीदड़ भक्ति देने वाले लोग नहीं। सरकार ने छापा मरवाया है, केंद्र की सरकार अभी तो यही हम पर कहते, केंद्र की सरकार कहते, केंद्र की सरकार ईडी है, केंद्र की सरकार किसकी है, बीजेपी की है। तो हमने ही ना छापा मार के उनके उनके चेहरे को उजागर कर दिया, उनके संपत्ति को उजागर कर दिया। और कई लोग हैं। देखिए, इस प्रकार के जो भी कार्रवाई होती है वो स्पष्ट रूप से, अभी जो घटना घटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार को के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया है, ऐलान किया है और उसका ये पहला कदम है। देखिए अशोक जी, अभी जो कार्रवाई हुई है केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी है और इसके पूरे पुराने इतिहास पर ही केस किया गया है।
वर्तमान और पूर्व दोनों की जांच होगी और कोई दोषी नहीं बचेगा और लोग भी इसमें मामले में आएंगे। इसलिए गलत काम का जिसने काम किया है, पूजा सिंघल हो चाहे तो पूजा सिंघल तो एक नाम है भ्रष्टाचार का, और कई लोग हैं, शराब के मामले हो उसमें भी कई दुर्गंध है। हम समझते हैं ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और ईडी निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को बताने का काम करेगी कि किस लिए अभी ही समय क्यों चुना गया है और पूरे देश में ईडी के कितने जगहों पर कार्रवाई हो रही है। और जो आप लोग पूछते हैं कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, राजनीतिक मायने इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक मायने ये हैं कि सिर्फ गैर जो भाजपा सरकार वाली वाले राज्य हैं, क्या उन्हीं जगह सिर्फ भ्रष्टाचार है कि पूरे देश में इस तरह की भ्रष्टाचार की बातें हैं। कई बार ईडी की कार्रवाई को देखने से ये लगता है, आज ही आपने देखा होगा ममता बनर्जी जी के भाई अभिषेक बनर्जी को अब नोटिस भेजा गया है। तो ये क्या सिर्फ जो गैर भाजपा शासित राज्यों में ही ये कार्रवाई चल रही है कि अन्य पूरे देश में चल रही है? क्या पूरे देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है? तो हम इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से राज्य की राजनीतिक हालात बने हैं, जिस तरह से पिछले 15 दिनों से एक सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है, क्या उसके निमित्त तो ये कार्रवाई नहीं है? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम हो उसके विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में ईडी इस तरह की कार्रवाई कर जो भी लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल हों उन पर कार्रवाई करें। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत होती है। जब मैंने कहा कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, पहले ईडी तो बताए किस मसले पर किया है, किस सरकार के समय की बातें हैं। अगर सिर्फ ईडी मीडिया को खबरें बता रहा है, वो भी सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से, तो मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर किस हवाले से छाप रहे हैं आप, किस हवाले से दिखा रहे हैं। कह देने मात्र से नहीं होता, ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं जीवन में कि बहुत सारे, जब भी कोई इस तरह के छापेमारी होती है, महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, अरे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले तो दिखाओ ना महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो हम समझते हैं किसी को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, ईडी की कार्रवाई है, राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसके लिए मैं सफाई दूं। ये तो ठीक है, मीडिया का एक काम है और उस मीडिया के काम में हम लोग भी लगातार हाथ बटाते हैं, इसलिए आप इस पर बयान ले रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, वरना ईडी की के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारा बोलना भी मुनासिब नहीं। हम ये देख रहे हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों तक सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के विधायकों के बदौलत बनी हुई सरकार है। तो हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ठीक है, अफवाह फैलाने वालों में तो गणेश जी को दूध पिला दिया था, तो अफवाह फैला रहे हैं। हमारा आपसे आग्रह होगा कि आप माध्यम न बने। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।